Hello everyone, how are you? I hope you all will be fine and doing your studies from home. So we were discussing colligative properties. Up to now we had discussed three colligative properties, that are relative lowering of the vapor pressure, osmotic pressure and elevation in the boiling point. In this video we will discuss depression in the freezing point, also known as cryoscopy. So before discussing depression in the freezing point, we must know what is freezing point. So freezing point kya hota hai? Freezing point of any substance is that temperature jis par hamare paas kya hoge, solid or liquid forms equilibrium mein hongi. Means solid or liquid states ka kya hoga? Same vapor pressure hoga. For example, if we talk about water, theek hai, then water is the liquid form and solid form will be ice. So that temperature at which ice and water both coexist simultaneously means freezing point. 0 degree पर हमारे पास क्या होता है, ice और water दोनों states एक साथ exist करती है, वही क्या कहलाते हैं, freezing point कहलाते हैं. उस point पर हमारे पास क्या होगा कि both solid और liquid का vapor pressure बिल्कुल same होगा. अब हमें पता है कि हम जैसे ही कोई non-volatile solute को solvent में add करते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल होता है. सो जो ये डिफरेंस आया है, सॉल्यूट हमने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था और जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था उसके बॉइलिंग पॉइंट में, उसी को ही क्या बोल देते हैं, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. सो इफ़ यू इंडिकेट डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट बाई डेल्टा टी, देन वट विल बी द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. Depression in the freezing point will be freezing point of a pure solvent and freezing point of the solution. Okay, so इस graph से समझने की हम कोशिश करते हैं. So this is the graph between the vapor pressure and temperature. In this graph these are two lines. The pink line, if we start from A, then at A मान लो हमारे पास जो प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है. लेट ए हैव सम वेपर प्रेशर. इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, देन वी नो एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट विल डिक्रीज. सो विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीज, देन ए पॉइंट बी विल रीच. एट द पॉइंट बी हमारे पास क्या होगा कि सॉलिड फॉर्म्स अपीयर होनी शुरू हो जाएगी. तो बी पॉइंट वो होगा जिस पर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स को एग्जिस्ट. ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट बी है ये हमारा क्या इंडिकेट करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पर बोथ ही लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म्स को एग्जिस्ट. आफ्टर दैट इफ यू फर्दर डिक्रीज द टेम्परेचर, देन ओनली लिक्विड और सॉलिड लिक्विड फॉर्म विल नॉट शोन, ओनली सॉलिड सॉल्वेंट विल बी प्रेजेंट हेयर इन द कर्व बी सी. ठीक है, एंड वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन प्योर सॉल्वेंट, सो ऑलवेज सॉल्यूशन लाइन विल लाई बिलो द हमारे पास प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, एंड अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन का, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा. देन वी विल रीच एट पॉइंट ई एट विच सॉलिड फॉर्म स्टार्ट्स अपियरिंग. सो द पॉइंट ई इंडिकेट्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी एफ. सो वॉट इज टी एफ? टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. एंड इफ वी ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम बी ऑल्सो नोन एज फ्रॉम पॉइंट बी ऑल्सो नोन एज टी एफ नोट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. इन दोनों का जो हमारे पास डिफरेंस आता है, टी एफ नोट और टी एफ का जो ये वाला गैप है, दिस गैप इज नोन एज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, सो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन स्टेट. ओके, सो ये ग्राफ समझ में आया. यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा टी एफ. अब हम मेथड निकालेंगे टू रिप्रेजेंट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. देखो, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट विच इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. ठीक है, एज वी इंक्रीज द मोलैलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, डेल्टा टी एफ क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज होगा. अगर हमें ये बोल दिया जाए कि दो सॉल्यूशन है, दोनों का सेम डेल्टा टी एफ है, मतलब
जो हमारे पास डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है, दो सॉल्यूशन अलग अलग है, दोनों का सेम है, तो उनकी मोलैलिटी भी क्या होगी, सेम होगी। अब देखो डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल किसके है, मोलैलिटी के। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाते हैं के एफ, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा के एफ इंटू मोलैलिटी। जो के एफ है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, कि हमने कौन सा सॉल्वेंट लिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्वेंट वाटर लेते हैं, तो वाटर में हम चाहे कोई सा भी सॉल्यूट ऐड कर लें, चाहे हम NaCl कर लें, चाहे हम शुगर सॉल्यूशन कर लें, या फिर कोई भी सॉल्वेंट हम ऐड सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो के एफ की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। किस पे डिपेंड करेगी, ओनली ऑन सॉल्वेंट। हमने वाटर लिया है, हमने इथेनॉल लिया है, हमने मिथेनॉल लिया है, हर एक के लिए क्या होगी, के एफ की वैल्यू अलग अलग होगी। अब इस के एफ का नाम क्या है, के एफ का नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट तो पढ़ ही रहे हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया। उसके अलावा इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब हमें के एफ की यूनिट निकालनी है, तो के एफ की यूनिट क्या होगी, केल्विन किलोजूल पर मोल। हमने यूनिट निकालना पिछले उसमें भी देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं अगर हमारी यूनिट कैसे निकलती है। देखो हमारे पास, हमें पता है डेल्टा टी एफ होता है के एफ इंटू एम। हमें के एफ की यूनिट फाइंड करनी है, तो के एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। डेल्टा टी एफ इज टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस ऑलवेज यूनिट क्या होगी, केल्विन, ठीक है। मोलैलिटी, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोलैलिटी क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होती है डेफिनेशन इसकी। तो क्या हो गई, केल्विन, ये वाली ऊपर चली जाएगी, केल्विन केजी पर मोल, ये क्या आ गई, यूनिट आ गई हमारे पास के एफ की, ठीक है। कई बार हमें ये ना देखे कि भाई की वैल्यू के एफ की है, क्या दे देते हैं, सिर्फ यूनिट दे देते हैं। हमें यूनिट देख के पता लगाना होता है कि ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट हमारे पास किसकी है, के एफ की है, ओके। के एफ की भी सेम यूनिट आएगी और के बी की भी क्या होती है, हमारे पास यूनिट सेम होती है, ठीक है। अब देखो मोलैलिटी है, हमें न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ये फॉर्मूला कोई ना देंगे, हमें डायरेक्ट मोलैलिटी ना देके मोलैलिटी हमसे फाइंड करवा सकते हैं। तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ओके। सो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं, सॉल्यूट के निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो हो गए नंबर ऑफ मोल्स। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हमारे पास एज इट इज रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमें केजी में ना देके ग्राम में दे रखा हो, तो हम ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट को हम इंडिकेट कर रहे हैं डब्लू टू से, मोलर मास को इंडिकेट कर रहे हैं एम टू से, मास ऑफ सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहे हैं डब्लू वन से, एंड थाउजेंड एज इट इज। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को डेल्टा टी एफ में रखती हूँ, तो डेल्टा टी एफ क्या आ जाएगा, के एफ इंटू डब्लू टू अपॉन एम टू डब्लू वन इंटू थाउजेंड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टी एफ, के एफ की यूनिट आपको पता चल गई होगी, ठीक है। सो आपको ये दे सकते हैं कि हमारा कितना मास सॉल्यूट का डिजोल्व होगा, मतलब हमसे डब्लू टू की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, एम टू की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी पूछ सकते हैं, या फिर डेल्टा टी एफ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब एक रिलेशन और है कि जो हमारे पास के एफ होता है वो इक्वल होता है आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन थाउजेंड ऑफ एल एफ, स्मॉल एल एफ। स्मॉल एल एफ क्या है, हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मान लो हमसे के एफ की वैल्यू निकलवाई हो, के एफ की वैल्यू हमें निकालनी पड़ जाए,
हमसे ये पूछा होगा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उसके लिए हमें केएफ निकालना हो, आपको क्या दिया हो कि एल एफ लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन दे रखा हो खाली, तो आर की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है। टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो ये वाला एक्सपेरिमेंट है इतने टेम्परेचर पर हुआ है, और एल एफ आपको गिवन होगा। तो के एफ का आप डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हैं, के एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के एफ का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ, एल एफ इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ऑफ द सॉल्वेंट। या फिर हमारे पास, हमें पता है कि एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन एम वन, वेयर डेल्टा एच फ्यूजन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल, ये क्या है हमारे पास, पर मोल, पर मोल, ठीक है, ये क्या था हमारे पास, पर ग्राम। अगर ये दे रखा हो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल है तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा ये वाला, अगर ये दे रखा हो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम है तो ये। अब ठीक है, एल एफ की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास के एफ कितना आ जाता है, के एफ विल बी आर टी नोट स्क्वेयर अपॉन 1000 इंटू एल एफ में क्या आ जाएगा, डेल्टा एच एफ इंटू एम वन, वेयर एम वन इज मोलिकुलर मास ऑफ द सोलवेंट, ये क्या है, सोलवेंट का मोलर मास, ठीक है। आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू हमें कितनी होगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या तो ये हो सकती है या फिर 2 कैलरी पर डिग्री पर मोल, ये भी आर की वैल्यू हो सकती है। ये वाली वैल्यू कब होगी कैलरी वाली, जब हमारे पास डेल्टा एच फ्यूजन या फिर डेल्टा एल फ्यूजन किस में दे रखा हो, कैलरी में दे रखा हो। और ये वैल्यू कब होगी, जब हमारे पास डेल्टा एच या फिर डेल्टा एफ स्मॉल एल एफ किस में दे रखा हो, जूल में। अगर जूल में वैल्यू है तो आर की वैल्यू होगी 8.314, और अगर हमारे पास कैलरी में है तो आर की वैल्यू होगी 2 कैलरी पर डिग्री पर मोल। ओके, सो एक बार इसके क्वेश्चंस और ट्राई करके देख लेते हैं एक दो। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन विद 105 डिग्री से डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 105, ठीक है, गिवन क्या क्या है वो लिख लो। सबसे पहले डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों कितना दे रखे है हमारे पास, 105 दे रखे है। अब हमें पता है कि टीपी हमारे पास कितना होता है, डिप्रेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द अगर हम बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं तो ये कितना होगा, देखो डेल्टा टीपी हमारे पास कितना होता है, डेल्टा टीपी होता है के बी इंटू एम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टीपी निकालना है, टीपी क्या हो जाएगा, टीपी नॉट प्लस डेल्टा टीपी, टीबी नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एंड टीबी डेल्टा टीबी क्या है, डिप्रेशन, ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, वाटर की बात कर रहा है, वाटर का प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री ये हो गया, और डिप्रेशन हमें पता नहीं है, ठीक है, डिप्रेशन को हम क्या लिख लेंगे, डेल्टा टी बी। इसी तरह है अगर हम किसकी बात करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो क्या है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा, टी एफ कितना हो जाएगा, टी एफ नोट माइनस, टी एफ नोट किस में से माइनस होगा, ज़ीरो में से, मतलब ज़ीरो माइनस डेल्टा टी एफ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास टी एफ आ जाएगा, टी एफ ऑफ सॉल्यूशन।
देखो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, जीरो। ठीक है, अगर हम डिप्रेशन देखते हैं तो लेस देन जीरो ही आती है वैल्यू, तो लेस देन जीरो ही आती है, तो जीरो में से लेस देन जीरो करेंगे तो टीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। ओके, अब हमारे पास इधर देखो टीबी माइनस टीएफ क्या हो गया, टीबी क्या होता है 100 प्लस KBM, और टीएफ क्या हो गया -0 -KFM। ठीक है, इन दोनों को जब हम सोल्व करते हैं हमारे पास मोलैलिटी कितनी आ जाती है, मोलैलिटी आ जाती है 2.11। अब देखो मोलैलिटी है ये, इसका मतलब क्या है कि जो 2.11 मोल है वो हमारे पास कितने में है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। अगर हमें ये निकालना है कि 100 ग्राम वाटर में कितना प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड। अब हमें क्या निकालना है, हमें मास निकालना है। मास को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो मास का मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, तो मास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ये रहे, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम में निकालना है तो अपॉन 1000 से डिवाइड कर देंगे, और 342 क्या है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज, सॉरी सुक्रोज का मोलर मास क्या हो गया 342। तो आंसर विल बी 72 ग्राम पर केल्विन। ओके, इसी टाइप के एक दो क्वेश्चंस और हैं, वो मैं आपको इस जो ये नोट्स हैं इनकी PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी साथ में मिल जाएंगे। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड डूइंग योर स्टडीज फ्रॉम होम। सो वी वर डिस्कसिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अप टू नाउ वी हैड डिस्कस 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट आर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, एंड रिलेटिव लोवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड डूइंग योर स्टडीज फ्रॉम होम। सो वी वर डिस्कसिंग